तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे DOE के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 17/11/2022 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट दोनों मीडियम में अपलोड है, कमेंट में लिंक पेस्ट है, देख सकते हो। साथ में मिड टर्म पेपर के सॉल्यूशन यानी ऑप्शनल आंसर भी अपलोड है, उनको भी तैयार कर सकते हो। कमेंट में लिंक मिल जाएगी, क्योंकि फाइनल और प्री बोर्ड में उसमें से काफ़ी क्वेश्चन होंगे, उसमें फुल सिलेबस आ रहा है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। लिखा, बिंदुओं ए 2, 1 और बी 5-8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु पी और क्यू पर इस प्रकार समत्रिभाजित होता है, मतलब तीन भागों में बांट रहा उसको, जबकि पी बिंदु ए के निकट है। यदि पी 2x-y प्लस के बराबर 0 द्वारा दी गई रेखा पर भी स्थित है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 2, 1 एंड बी 5-8 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू सच दैट पी इज नियरर टू ए। इफ पी ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवेन बाई 2x-y प्लस के इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस प्रकार कह रहा है, अगर ये ए है, ये बी पॉइंट है, तो पी नियरर है ए के, और ये क्या हो जाएगा, क्यों, और तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इस पर ये स्थित है 2x-y प्लस के इक्वल टू 0, ये स्थित है। तो यहाँ पर अगर हम एक्स वाई की वैल्यू निकालने के, अपने आप आ जाएगा। तो सॉल्यूशन देखो, ए पॉइंट दिया था कितना, 2, 1। बी पॉइंट क्वेश्चन में गिवेन है, कितना दिया है, 5-8। सम त्रिभाजित है, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। हमें के का मान निकालना है इस इक्वेशन के जरिए, ठीक है, और इसमें एक्स वाई की वैल्यू का पता नहीं है, अगर वो आ जाए तो के का मान अपने आप आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर ये ट्राइसेक्टेड है यानी समत्रिभाजित है, तीन बराबर भागों में है, तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये ए, ये क्या हो गया हमारा, एक्स 1 2 है, वाई 1 1 है, एक्स 2 5 है, वाई 2 -8 है। इसको माना एम 1 ए पी को, ये 1 ये 1 ये 1 इतना था। तो यहाँ से पी से लेके बी तक, पी से लेके बी तक 1, 1, 2, यानी M2 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिख दिया M1 1 है, M2 2 है, ध्यान रखना, 1+1 2 ये हो जाएगा। अब क्या करना है, P को हमने मान लिया XY, अगर XY का पता चल जाए तो इस इक्वेशन से K का मान अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र फिर से अप्लाई करेंगे X के लिए, Y के लिए, ठीक है, सेम फॉर्मूला दोनों है। यहाँ पर एक्स टू एक्स वन हो जाता है, यहाँ पर वाई टू वाई वन, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब समझो, एक्स के लिए एम वन एक्स टू, एम वन कितना आपका, यहाँ पर देखो 1 है, एक्स टू कितना है आपका, 5 है, तो 1×5 प्लस पे प्लस लगा दिया। M2 X1, M2 कितना आपका, 2 है, यहाँ पर देखो M2 2 है, X1 कितना आपका, 2 है, 2×2, और फिर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 कितना आपका, M1 1 है, M2 2 है, 1+2, सेम इधर भी वैल्यू रखो Y की साइड, M1 1×Y2 आपका कितना है, -8 प्लस पे प्लस लग गया। M2 Y1, M2 कितना आपका, 2, Y1 1 है, 2×1 हो गया, और फिर नीचे M1 प्लस M2 1+2, इसकी वैल्यू रख दी गई है, ठीक है। आगे देखो, 1×5=5, 2×2=4, और 2+1=3, इधर सेम, -8 का 1 से करेंगे -8, 2×1=2, 1+2 नीचे आएगा 3,
फाइव प्लस फोर नाइन बाई थ्री, माइनस एट प्लस टू माइनस सिक्स बाई थ्री माइनस हो जाएगा। डिवाइड करो थ्री थ्री जा नाइन, एक्स थ्री आएगा, थ्री टू जा सिक्स, वाई माइनस टू आएगा। आ गया ना एक्स एंड वाई की वैल्यू का पता चल गया। अब देखो ये लाइन इस पर स्थित है, ठीक है, पी पर। इसका नाम क्या है, टू एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू का पता चल गया है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन, हिंदी मीडियम वाले एक्स वाई का मान समीकरण में रखने पर ये इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। टू एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, टू पे टू एक्स, थ्री रखना है माइनस वाई पर माइनस टू रखना है प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, टू थ्री जै सिक्स, माइनस माइनस प्लस टू प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, सिक्स टू एट प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, के इक्वल टू प्लस एट इधर आएगा माइनस एट हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, के का मान यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है, कंप्लीट हुआ। कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।